हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आसमान खा गया या जमीन निगल गई, नकीबुल्लाह के कत्ल में मुलविस राव अनवार मंजर से गायब। एफआईआर में दहशतगर्दी समेत संगीन दफात, लेकिन सिंध पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। घंटों बाद भी मुलजिम आजाद, पुलिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथी अफसरों और एहलकारों तक भी ना पहुंच पाई। सिंध हुकूमत और पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। नकीबुल्ला केस के नतायज जल्द सामने आएंगे। राव अनवार को एनओसी दिया ना छुट्टी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा राव अनवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उधर कराची में ताजियती कैंप का चौथा रोज, शहरियों की आमद जारी। मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए दूसरे अफराद के लवाहिकीन की भी शिरकत। नन्ही जैनब का कसूरवार दरिंदा, गिरफ्तारी के बाद अपने अंजाम की जानिब बढ़ने लगा। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी होगी। एटीसी के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस मुलजिम इमरान से मुतालिक तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। जैकेट के दो बटन्स का मुलजिम इमरान की गिरफ्तारी में अहम किरदार। सीसीटीवी फुटेज में कातिल की जैकेट के कंधों पर बड़े बटन लगे थे। मोहल्ले में तलाशी पर एक घर से वही जैकेट मिली। मुलजिम की मां ने तस्दीक की। डीजी फॉरेंसिक लैब डॉक्टर अशरफ कहते हैं दुनिया की आबादी मौजूदा आबादी से बीसियों गुना ज्यादा हो तब भी मुजरिम यही इमरान ही है। कसूर में बच्चियां अगवा के बाद कत्ल होती रहीं, पुलिस अफसर सोते रहे। जैनब से पहले 7 बच्चियां कत्ल हुईं, एक भी मुलजिम ना पकड़ा गया। तमाम वारदातें जून 2015 से 5 जनवरी 2018 तक हुईं। डीपीओ अली नासिर रिजवी के दौर में 5 वाकयात हुए, कोई एक भी ट्रेस ना हुआ। सेनेटर रहमान मलिक का सेनेट को सरेआम फांसी बिल जल्द पास करने के लिए खत। कहा जैनब और अस्मा के कातिलों को सरेआम फांसी देकर निशाने इबरत बनाया जाए। कायमा कमेटी बराए दाखला बिल में तरमीम की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। रात के कसूर में है और मैं खुद भी गया वहां पर मौके के ऊपर। शर्म आती है कि इस किस्म के वाकयात हो और हम अपनी तालियां बजवाते रहे। कातिल मिल जाए इस किस्म का तो हम लोगों को खड़े होकर तालियां बजाने की बात करें। जिसने भी कल टीवी देखा होगा उसका शर्म से सर झुक चुका होगा। खुर्शीद शाह की असेंबली फ्लोर पर वजीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ गरज बरस। कहा जैनब का कातिल पकड़ने पर तालियां बजवाई गईं। ऐसे वाकयात पर शर्म आनी चाहिए और वजीर आला पंजाब को माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान पर भी चढ़ाई, बोले पार्लियामेंट पर एक बार लानत भेजने वाले पर हम लाख बार लानत भेजेंगे। जो लोग कहते हैं पार्लियामेंट काम नहीं करती झूठ बोलते हैं। नून लीग के वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जवाब, कहा तालियां बचती रहेंगी कामयाबियां समेटते रहेंगे। कहा जिनसे डेंगू पर काबू नहीं पाया गया वो शहबाज शरीफ से क्या मुकाबला करेंगे। बनेगा
इंसानियत को शर्मा देने वाला एक और वाकया, मुजफ्फरगढ़ में वालिदैन के सामने माँ बेटी से 10 अफराद की ज्यादती, मजाहमत पर दोनों खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, मुकदमा दर्ज मगर कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। चीफ जस्टिस ने खवातीन के स्कर्ट से मुतालिक बयान पर माजरत कर ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक केस के दौरान रिमार्क्स में कहा, लाहौर में की गई मेरी तकरीर से अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूं और मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था। जमहूरियत को आमरों की गोद से जिद्दोजहद करके छीना है, इक्तदार की मुंतकली के तसलसल को खतरात लाहक रहते हैं। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू, बोले जैसे जैसे जिद्दोजहद आगे बढ़ेगी जमहूरियत मजबूत होगी। Half of humanity lives in this region, so this is perhaps the best place to start working on the fractures and creating connectivity. वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अबासी कहते हैं, सी पैक वन बेल्ट वन रोड का अहम मंसूबा है, एशिया में खुशहाली का बायस बनेगा। डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के मुबाहसे में इजहार ख्याल, मजीद कहा मंसूबे से खित्ते के ममालिक एक दूसरे से मुंसलिक हैं। मॉल रोड पर भड़के मारने वाले शेख रशीद का ताहाल इस्तीफा कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल ना हुआ, दुबई से वापसी पर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सिर्फ इस्तीफा लहराया फिर जेब में डाल लिया, साथ ही ये भी कह दिया मेरे इस्तीफा देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमरान खान की वजह से इस्तीफा रोका हुआ है। से ये कहा जरूर कि कल मैं 23 तारीख को इस्तीफा दे दूं, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं देना। शेख रशीद भी इतना बच्चा चूचा नहीं है, मुझे समझ है कि 28 तारीख के बाद इलेक्शन नहीं हो सकते, मैं इतना पागल नहीं हूं कि आप अहल मुझे मार। मुशर्रफ दौर में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग आए जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा थे, साबिक वजीर दाखला चौधरी निसार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कोई हमें वीजा ऑन अराइवल देता है तो हमें भी देना चाहिए। वजीर दाखला अहसन इकबाल का भी जवाब, बोले वजारत दाखला ने कौमी सलामती के हवाले से वीजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, तकरीर से रोकने पर तहरीक इंसाफ के अरकान का शो। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं, समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए बेहतरीन इकदामात किए, कुदरत ने पाकिस्तान को समंदरी वसाइल से भी नवाजा है, मैरीटाइम शोबे के फरोग के लिए बेहतरीन सलाहियत मौजूद है, जल्द मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और एक पार्क बनाएंगे, कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुकर्रर कर दिया गया, सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर केस निमटा दिया गया। सिंध में यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की हड़ताल, सूबे की तमाम जामियात में तालीमी अमल मुअत्तल, एसोसिएशन का एचईसी में पीएचडी माहिर तालीम का तकरर और यूनिवर्सिटी एक्ट में तब्दीली का मुतालबा, मुतालबात पूरे ना होने पर 3 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी। पंजाब यूनिवर्सिटी में हालात मामूल पर आने लगे, तालीमी सरगर्मियां और तलबा की आमद और रफ्त के लिए शटल सर्विस बहाल, पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी में मौजूद, शरपसंदों को फौरी हिरासत में लेने का हुक्म। श
शादी का खाना एहतियात से खाना। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शादी पर बासी और नाकिस खाना देने पर 10 शादी हॉल सील कर दिए। शादी हॉल्स लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, जहलम और रावलपिंडी में सील किए गए। सूबे के 351 शादी हॉल्स को नाकिस सफाई पर नोटिस। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। कुरा अंदाजी 26 जनवरी की शाम होगी। तफसीलात वेबसाइट पर भी जारी की जाएंगी। फैसलाबाद के इलाके झुमरा में शादी से इनकार पर नौजवान की फायरिंग, लड़की कत्ल, मुल्जिम फरार हो गया।